आज का हमारा श्लोक है भगवत गीता, भगवत गीता आ, एज यथारूप रूप अध्याय पाँच कर्मयोगित कर्म श्लोका नंबर मैं दोहराने की कोशिश करती हूँ आज थोड़ा बहुत जितना समझेगा उतना समझने की हम कोशिश करेंगे महाबाहो महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोगतः दुःखम् आप्तुम् अयोगतः <saturation mythology> योगयुक्तः मुनिः ब्रह्म योगयुक्तः मुनिः ब्रह्मा न चिरेण अधिगच्छति न चिरेण अधिगच्छति संन्यासः <mustache> तु महाबाहो <Oxford> संन्यासः तु महाबाहो दुखम आप अयोग दुखम अयोगतः योगयुक्तः मुनि ब्रह्म योगयुक्तः मुनि ब्रह्म नचरेन अतिगछति न चीरेन अधिगछति संस तु महाबाहो तु महाबाहो दुखम अयोगतः दुःखम आप तु अयोगतः योगयुक्तः मुनि ब्रह्म योगयुक्तः मुनि ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति न चिरेण अधिगच्छति सन्यासः तु महावाहो दुःखम आप तु अयोगतः योगयुक्तः मुनि ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति अनिता माता जी प्लीज रिसेट कोई होगा किसी को पढ़ना होगा तो पढ़ सकते हो हरि कृष्णा माता जी पढ़िए प्रभु जी पढ़िए सन्यास तू महाभाव दुखम आप तुम योग योग युक्त मुनि ब्रह्मा ना चिए नाधि गच्छति हरि कृष्णा अ तथा तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है तात्पर्य सन्यासी दो प्रकार के होते हैं मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भगवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं हैं। भागवत संप्रदाय पंचरात्रि की विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते क्योंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल होता है अतः वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से उभ कर समुचित बोध के बिना ही भागवत की शरण ग्रहण करते हैं फलस्वरूप श्री मद भागवत का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्म को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार पद से नीचे गिर जाते हैं। और फिर से समाज सेवा परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते अतः निष्कर्ष यह निकला कि कृष्ण भावना के कार्य में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषय साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते ओम अज्ञान तिमिर ज्ञानांजन शला चक्ष एन तस्म श्री गुरव श्रीचैतन्य मनोभीष्ट एन भूतले स्वयं रूप कदा ददा स्वदातिक वंदे हम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरो वैष्णवा च्रीप साग्रजा सगणरगुणातान्व तम सजीव साइतम सवदूत परीजन सहित कृष्ण देवम् श्री राधा कृष्ण पदा स गण लिता नमो पदाय कृष्ण कृष्णपृष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदात नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे देश पाश्चातरिणे वाचा कल्पतरु भेच कृपा सिंधु चतिम पावणेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा पुनः एक बार सबके चरणों में प्रणाम करती हूँ स्वीकार करो कृपा की याचना करती हूँ हमने देखा अभी तक फोर्थ अध्याय तक हमने देखा के कर्मयोग ज्ञान योग कौन सा श्रेष्ठ है ज्ञान योग से कर्मयोग श्रेष्ठ हमें बताया गया ज्ञान योग कर्मयोग अभी उसके बाद भक्ति योग श्रेष्ठ अगले श्लोक अध्याय में बताया जाएगा अभी हमें यहाँ पे भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं कि अब इसका निष्कर्ष यह निकलेगा कि कर्म योग क्यों श्रेष्ठ है ज्ञान योग को क्यों हतोत्साहित करना है यानी ज्ञान योग से कर्म योग क्यों श्रेष्ठ है कर्म योग यानी कर, निष्काम कर्म जिसके फल की हमें अपेक्षा नहीं होती है वो कर्म ज्ञान योग करने से क्या होता है हमारा थोड़ा हृदय तो शुद्ध हो जाएगा और हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा लेकिन उस ज्ञान को प्राप्त करके यदि ये जो रहते हैं ना उसके पहले हम ये समझना चाहेंगे कि महाभाव सन्यास, सन्यास का मतलब क्या है सत अधिक सत यानी शाश्वत न्यास मुझे रहना पास में रहना हमें भगवान के पास रहना है भगवान की सेवा करना है भगवान को संतुष्ट करना है तो संस करते हैं इसका मतलब ऐसे नहीं कि हमें सब कर्म त्याग देने हम कुछ भी कर्म त्याग नहीं सकते क्योंकि हमें कुछ न कुछ न कुछ, कुछ कार्य करना होता है हम निष्क्रिय नहीं बैठ सकते भले ही हम भक्ति नहीं करें तो हम क्या करेंगे अभक्त के साथ वार्तालाप करेंगे कुछ न कुछ कार्य करते रहेंगे लेकिन जब हमें ज्ञान प्राप्त हो गया है कि हमें अभक्त के साथ निरर्थक बातें नहीं करना है जब भी हमें बोलना है मुंह खोलना है हमें नहीं देखा था में वाचो वेगं, मनसा वेगं। ये श्लोक समझने मन हमारे जीवन में अप्लाई करने में बताने कितने जलम लग जाए लेकिन यहाँ पे जो बताया गया है कि संन्यास का मतलब है कि हमें भगवान की सेवा करने भगवान को तुष्ट करना है यहाँ पे दूसरा वर्ड वर्ड आता है महाभाव शब्द आता है महाभाव और उसके पहले तू भी बताया तू है लेकिन यहाँ पे लेकिन क्यों बोला है तो उसका मतलब आगे आ रहा है महाभाव अर्जुन को उन्होंने महाभाव कहके उच्चारित किया है महाभाव याने वरिष्ठ बुझाव वाला ये फ्रेंड को यानी मित्र को भी कह सकते भाई को भी बोल सकते हैं दुखम आप तुम योग्यत क्या बोलते हैं वो जब कोई योग योग यानी जोड़ना करना कार्य करना यहाँ पे भक्ति कार्य बताया गया है ये बिना संन्यास लेता है संन्यास लेता है यानी त्याग देता है चीजों को बिना सोचे समझे त्याग दे अभी मुझे बोला प्रभु जी ने मुझे बोला कि ये काम आपको करना है मैं बोलूंगी नहीं नहीं मुझे नहीं करना है मैं बिना बोले वो नहीं करूंगी यानी मैंने वो काम त्याग दिया है लेकिन ऐसा नहीं करना है ये बिना यानी मुझे आदेश मिला है कि मुझे ये काम करना है तो वो आदेश के हिसाब से मुझे कार्य करना है जब मैं ये कार्य करूंगी तो क्या वो सेवा देने वाले जो प्रभु जी है वो भी खुश हो गए और उनके थ्रू भगवान संतुष्ट हो गए तो बिना कार्य किए सन्यास जो लेता है इसका मतलब है कि वो कर्म को त्याग देता है और दूसरा वर्ड आता है दुखम आप तुम अयोगत जब कोई कार्य हम त्याग देते है बिना कार्य के जो भक्ति के बिना जो कार्य के त्याग देते हैं तो उससे क्या होता है आखिरी में हमें दुखी प्राप्त होता है और यहाँ पे अयोगत का है जब कोई योग बिना संन्यास लेता है उसका मतलब है कि वह कर्म त्याग कर देता है अयोग्य तब व्यक्ति को वो क्या करता है दुखम आप तुम दुख देता है उसके द्वारा दुख होता है और क्योंकि कर्म का त्याग करना बहुत कठिन है वो टिकाऊ नहीं है वो आ, क्या बोलते उसको क्षणिक है और यह अप्राकृतिक है अभी दूसरा आता है योग युक्त नीचे के लाइन में योग युक्त मुनि ब्रह्मा योग युक्त यानी योग से भक्ति से किए हुए कार्य मुनि ही मुनि यानी क्या होता है मुनि का अर्थ होता है क्या होता है मुनि का अर्थ पता है आपको मनन करने वाला मुनि यानी मनन मननशील मनन करने यानी चिंतन करने वाला यदि हम कोई चीज बताई गई और उस पर हम चिंतन ना करें और बिना चिंतन कुछ कार्य करते हैं तो हम अच्छे से नहीं सोच पाएंगे श्रेय क्या है श्रेय के बारे में नहीं सोचेंगे और जब हम श्रेय के बारे में सोचते हैं तो वो जो कार्य होता है वो भक्तिमय कार्य होता है और जो भक्तिमय ये कार्य करता है उसे मुनि कहा जाता है अः तो पहले माता एक कहती थी जब बच्चे खेल कूद करते थे तो माता एक कहती थी खेलोगे कूदोगे हो खराब पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब ये वो बोलते थे कि खेल कूद नहीं करना चाहिए पढ़ना लिखना चाहिए पढ़ना यहाँ पे कौन से उद्दिष्ट से है? भक्ति के शास्त्र के जो नियम दिए गए उन शास्त्रों को हमें पढ़ना है इसके बारे में मनु महाराज की भी एक उक्ति आती है बहुत सुंदर है प्रवृत्ति ऐसा भूताणाम निवृत्ति तू महाफलम प्रवृत्ति ऐसा भूता यानी हमारे में प्रवृत्ति होती है चार प्रवृत्ति हमें मालूम है कौन सी हमारे चार जो नियम प्रभुपा जी ने हमें बताए वो चार नियम यानी मांसाहर करना मांसाहार करना आ, क्या बोलते है दा, दारू का पान करना इलिसिट सेक्स और आ, हत्या पशु हत्या ये चार कार्य करता है उसका नाश होता है लेकिन इससे यदि निवृत्ति कर लेते हो ये चार कार्य नहीं करते हो प्रभुपाद जी ने हमें जो कहा है कि चार नियम का पालन करो और सोलह माला जप करो ये जब निवृत्ति में लग जाते करने में लग जाते हैं तो उसका हमें महाफल प्राप्त होता है इसे आपने भी अनुभव किया होगा क्योंकि जब हम भक्ति में नहीं आए थे तब हमारी स्थिति क्या थी और आज हमारी स्थिति क्या है इससे हमें समझ में आता है दर्शन के बारे में बताया मुनि ब्रह्म न चिरे न अधिक जो मुनि बन जाता है तो क्या होता है ना भक्ति के हिसाब से कार्य करता है हमें यहाँ पे भी अनुवाद में भी क्लियरली बता दिया है कुछ कठिन नहीं है इसमें समझने के लिए के भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का त्याग परित्याग करने में कोई सुखी नहीं होता यदि हम भक्ति के बिना कार्य को त्याग देते है तो हमें सुख नहीं मिलेगा हम भले कितना ही कार्य करें अभी हम पैसों के कितने पीछे भागे कितना ही पैसा कमा ले कितने उपाधि आप कमा ले। लेकिन हम कभी सेटिस्फाइड हुए है क्या नहीं हुए पहले भक्ति के पहले की बात है लेकिन अब हम भक्ति में आए हैं तो हम हर कार्य भले हम पढ़ाई कर रहे हैं उपाधि प्राप्त कर रहे है लेकिन हम यदि सोच रहे हैं कि मैं ये जो कर रहा हूँ कर रही हूँ वो मैं किसके लिए कर रही हूँ भगवान को खुश करने के लिए उससे मुझे जो कुछ इनकम मिलने वाला है वो मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगी ये उद्देश्य से करते हैं तो ये जो भक्ति में लगा हुआ विचार इस विचार का जो व्यक्ति है वो उसे क्या होता है भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो जाते हैं टाइम नहीं लगता तुरंत ऐसा नहीं कि बहुत ये करना पड़े लेकिन भक्ति के अलावा जो ज्ञान योग कर्मयोग योग वगैरह यो वगैरह जो हाथ दिए हुए मार्ग बताए हुए उस मार्ग पे चलने के बाद आखिर में भक्ति योग तक आने को बहुत समय लगेगा तो इतना समय यहाँ डायरेक्ट भक्ति, भक्ति योग करने से बच जाता है तो हमें क्या करना है भक्ति करना है हमें भक्ति से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और भक्ति यानी हमें दृष्टि प्राप्त होनी चाहिए कौन सी दृष्टि दर्शन की भागवत दर्शन की भगवान की दृष्टि भगवान चर्म चक्षु एक मिनट चर्म चक्षु हमें प्राप्त होने चाहिए तब हम भगवान को देख सकेंगे और भगवान का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे हम ये अः भौतिक से नहीं देख सकते भगवान को तो उसके बिना यदि हम देखते हैं। तो क्या होता है वो दर्शन वो देखना सहज या हो जाएगा जैसे बनारस बनारस बोल रही वृंदावन में बोला जाता है रात सपने में आए सारा दही पी गए यानी भगवान रात को सपने में आए और सारा दही पी गए दर्शन के बिना जब हम भक्ति करते हैं तो क्या होता है कि वो हम समझ नहीं पाते हैं और महिमा क्या है भगवान की वो भी हम समझ नहीं पाते हैं महिमा सिद्धांत नहीं समझ पाते तो ऐसा कहा जाता है सिद्धांत बोलिया चित्त ना करे आलस यहाँ लागी कृष्ण चरण सुदृढ़ मानस यदि हम भगवान को नहीं समझेंगे तो क्या होगा हमारा मन कहीं नहीं लगेगा इधर उधर भटकेगा तो हमारा मन लगने के लिए क्या होना चाहिए राग होना चाहिए प्रेम प्राप्त होना चाहिए भगवान के बारे में लेकिन ये क्या है तुरंत होने वाली चीज नहीं इसको समय लगता है फिर हम आध्यात्मिक दर्शन Uh, कर पाते और जो आध्यात्मिक दर्शन कर पाता है तो बोला जाता है अध्यात्मिक दर्शन माया मुग्ध जीव नहीं ज्ञान जीवेर कृपा पुराण तो जब हमें ये सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो क्या होता है हम अपराधों से बच जाते हैं ये अपराधों से बचना बहुत जरूरी है हमारे लिए क्योंकि uh, हमें बत, हम रोज सुबह दस अपराध पढ़ते ही नाम अपराध नाम अपराध के अलावा सबसे पहले हमें वैष्णव अपराध से बचना है यदि हम वैष्णव अपराध से नहीं बचे तो उस अपराध के कारण हम भले कितना भी जप कर ले कितनी भी सेवा कर ले हमारा प्र, हमारी प्रगति होने वाली नहीं हमारा उद्धार होने वाला नहीं वो वैष्णव अपराधी स्वतः विनाश कर देगा वैष्णव अपराध को हाथी के समान माना गया इसके लिए उदाहरण आता है सौबरी मुनि का सौबरी मुनि के द्वारा क्या हुआ था गरुड़ का अपराध हो गया था और उस अपराध के कारण सौबरी मुनि ने जितनी तपस्या की थी वो व्यर्थ हो गई और उनके मन में भोग करने की लालसा निर्माण हो गई और उन्होंने मानदाता के पचास लड़कियों के साथ भोग वृत्ति के कारण आ, श, आ, आ, क्या बोलते किया शादी की और इससे अपराध के कारण भोग वृत्ति का निर्माण होता है ऐसा ही उदाहरण आता है एक जी का जो भगवान के द्वारपाल थे उन्होंने भी भोग करने की इच्छा निर्माण की तो क्या हुआ जो चतुष कुमार आए थे भगवान को मिलने के लिए उनके प्रति उनका अपराध हो गया और उन्होंने उनको प दे दिया कि जाओ तुम असुर कुल में जन्म लो लेकिन जब प्रहलाद महाराज के मन में भक्ति का संचय हुआ संचार हुआ तो भक्ति करने के लिए क्या हुआ नारद जी ने उन्हें ज्ञान दिया नारद जी की उन्होंने सेवा की और बीमारी के सेवा की लेकिन अ ध्रुव महाराज का भी एक उदाहरण आता है कि ध्रुव महाराज का जब आ, क्या बोलते हैं ध्रुव महाराज का उनके माता और पिता के कारण द्वारा अपराध हुआ तो उस अपराध के कारण क्योंकि ध्रुव महाराज भी एक वैष्णव थे भक्त थे भगवान के तो उनकी जो सौतेली माँ थी सुरुचि और उनका पुत्र उत्तम ये दोनों को जल के मरना पड़ा ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं हमारे भागवतम में वैष्णव अपराध से क्या क्या हो सकता है नवचंद्र महाराज भी कहते हैं कि जैसे अपराध हुए इसका हमें तुरंत मालूम नहीं होता है जैसे चंद्रमा धीरे धीरे घटता जाता है ना उस तरह ये किए हुए अपराध जो है धीरे धीरे सामने आने लगते हैं ऐसा ही अपराध और किससे हुआ था सच्ची माता सच्ची माता का भगवान सची माता के द्वारा अद्वैत प्रभु जी का अपराध हुआ था उन्होंने लगा था कि अद्वैत आचार्य जो है वो विश्व रूप को ये कर रहे है उसका ब्रेन वॉश कर रहे आज के हमारे भाषा में तब उन्हें कोई भी भक्ति या इसका फल नहीं प्राप्त हुआ था ये स्वयं भगवान ने जब बताया था कि मैं सबको भक्ति का प्रेम अर्पण करूंगा लेकिन सच्ची माता कौन है क्योंकि उनके हाथ से अद्वैत आचार्य का अपराध हुआ है और जैसे ही अद्वैत आचार्य जी ने यह सुना वो तुरंत क्या हुआ सुन के ही बेहोश हो गए तो जैसे ही वो बेहोश हुए सच्ची माता वही उपस्थित थी उन्होंने उनके चरण की धूल रज आ, अपने माथे पे लगाई और फिर चैतन्य महाप्रभु प्रेम दिया ऐसे बहुत सारी घटना है हम कितना भी सोचे कितना भी ये करे तो ये कमी है लेकिन हमने बस हमें इस श्लोक से इतना ही सीखना है कि आ, भग कृष्ण भावना भावित कार्य में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म और ब्रह्म विषय साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ है और आ, बाद में फिर ये जो अन्य कार्य में लगे हुए लोग ये धीरे धीरे भक्त कृष्ण भावना भावित में आके वो आ, अपने जलमक को सार्थक कर लेते हैं तो हमें वैष्णव वैष्णव अपराध अप नहीं करना है और हमें कर्मों का त्याग भी नहीं करना है भक्ति के थ्रू हमें कर्मों का आ, कर्मों को ये करना है हमें मोड़ना है भक्ति की ओर मोड़ना है हमारे कर्मों को हम कर्म त्याग नहीं सकते लेकिन उसको मोड़ दे मोड़ कर भक्ति कर सकते हैं और जैसे ही हम भक्ति पूर्ण कार्य करते हैं तो हम परमेश्वर सहज प्राप्त हो जाते हैं भगवान का प्रेम हमें प्राप्त होता है और हमारा जो देह है वो उसका मार्ग उज्जवल हो जाता है यही आज के श्लोक से हमने सीखा है हरे कृष्ण प्रणाम कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो अन्यथा हम यहाँ रुकेंगे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी थैंक यू वेरी मच आपने काफी अच्छे से समराइज कर दिया है कि कैसे हमने पूरा ध्यान इट इज मोर इम्पोर्टेंट कृष्ण ने भी श्लोक में वही प्रूव किया कि कैसे कर्म योगा योगा ये बाकी ज्ञान से ज्यादा इम्पोर्टेंट है और धीरे धीरे आगे जाके वह भक्ति योगा को प्रूव करेंगे थैंक तो यू वेरी मच माता जी हम तीन बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर माता जी का धन्यवाद व्यक्त करेंगे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे मिलेंगे भागवत तुम सत्र